ठाकुर के कुआं से उठा राष्ट्रीय जनता दल के भीतर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस विवाद को कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां सामने आई हैं और जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसने राष्ट्रीय जनता दल के भीतर घमासान मचा दिया है। आपको बता दें कि लगातार हमने आपको खबरों में बताया भी था कि सनातन को लेकर के, धर्म ग्रंथों को लेकर के और देवी देवताओं को लेकर के जिस तरह के बयान आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, उसने एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे ही दिया है, लेकिन वहीं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी खास करके सेकुलरिज्म और सनातन को मानने वाले नेताओं के बीच में घमासान मचा हुआ है। जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उस बयान से सभी को इस बात का डर होने लगा है कि आने वाले चुनाव में आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए अनाप शनाप बातें कही जा रही है, उसको लेकर के जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि ठाकुर का कुआं विवाद में आनंद मोहन का पूरा परिवार कूद गया था और चेतन आनंद ने इसकी शुरुआत की थी। एक बार फिर से चेतन आनंद ने इस तरह के बयानों को लेकर के अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और ख़ास करके फतेह बहादुर जिस तरह से निशाना साध रहे हैं हमारे देवी देवताओं पर, महिषासुर को नायक मान बैठे हैं, ऐसे मूर्ख लोग कहीं ना कहीं सनातन का और अपनी पार्टी का सबका नुकसान कराते हैं। अपना धर्म सबको प्रिय है, इस बात को लेकर के चेतन आनंद ने कहा है कि सेकुलरिज्म सबको साथ लेकर चलना होता है, खुद के धर्म को नीचा दिखाना नहीं होता है। इस पर आपको बता दें कि प्रतिक्रिया भी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर रिएक्ट भी किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहतर मौका नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं ये मौका बार बार राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से दिया जा रहा है। नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आखिर होना क्या है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की नाराज़गी भी इन बातों को लेकर के सामने आ चुकी है। लगातार हमने आपको बताया था कि किस तरह से चंद्रशेखर, उसके बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष और लालू प्रसाद के सबसे करीबियों में से एक जगतानंद सिंह ने जिस तरह के बयान दिए, उसके बाद अब फतेह बहादुर का बयान, इससे पहले भी कई बयान आ चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से कटघरे में खड़ी है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही उस पर उंगली उठा रहे हैं और नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने चेतन आनंद के इस बयान के बाद किस तरह से सपोर्ट किया है और क्या कुछ कहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये महाठगबंधन एक नई पॉलिटिकल लाइन को लेकर चल रहा है। राजद, जदयू और कांग्रेस के नेता सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी दे रहे हैं, आपत्तिजनक व्याख्या कर रहे हैं और सनातन के देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां दे रहे हैं। यही लालू प्रसाद यादव की नई पॉलिटिकल लाइन है और यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लालू यादव का इशारा है सनातन के विरोध में बात करो जिससे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो सके। सेक्युलरिज्म के नाम पे सनातन के विषय में विवादास्पद बयान देना ही इनका सेक्युलरिज्म है। चेतन की बात सही है और चेतन जैसी नई पीढ़ी का जितना जल्दी इन पॉलिटिकल धूर्तों से मोह भंग हो जाए उतना बेहतर है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।